सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस के बारे में। लास्ट वीडियोस में हमने बात की थी लाइट एंड शेड पर, विजुअल क्लैरिटी के बारे में हमने बात की थी, शेडिंग किस तरीके से करनी चाहिए उस पर हमने बात की थी, और लिमिटेड वैल्यू आपको क्यों यूज़ करनी चाहिए उस पर हमने बात की थी। तो इस वीडियो में हम लोग वो सारी चीज़ें विद एग्जाम्पल समझेंगे इस पोर्ट्रेट के साथ। ये मेरी फ्रेंड का पोर्ट्रेट है और इसको मैंने काफ़ी सारे इसमें मैंने चेंजेस भी किए हैं, जैसे मैंने फेस को थोड़ा शार्प किया है और आंखें थोड़ी मोटी बनाई हैं और जो लिप्स हैं उनको भी मैंने थोड़ा सा इन्हेंस किया है। तो आपने सबसे पहले जब पोर्ट्रेट को देखा तो आपकी नज़र इस आँख पर पड़ी होगी और उसके बाद आप इस तरीके से इस आई मूवमेंट को फॉलो करते हुए यहाँ पर आए। तब हम लोग सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस पर बात करते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एकदम हार्ड एज आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, एकदम क्रिस्प एज आपको नज़र आ रहा है, और इसी के साथ अगर मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ तो वो एज एकदम जाते जाते बिल्कुल स्मूथली ब्लेंड हो जाता है, और यहाँ पर हमारा जो एज था वो बिल्कुल क्रिस्प था एकदम, और वो जैसे जैसे पीछे जा रहा है वो बिल्कुल गायब होता चला जा रहा है, बिल्कुल लॉस्ट हो गया है, और जैसे फिर हम लोग वापस से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो धीरे धीरे वो हमारा एज जो वो फिर से अस्तित्व में आ रहा है, यानी कि फिर से उसको हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से बिल्कुल हार्ड एज था और सेम यही चीज़ आप नीचे भी देख पाएंगे। ये जो लिप्स के नीचे है यहाँ पर आप एकदम हार्ड एज देख सकते हैं, एकदम तीखी लाइन आप यहाँ पर देख सकते हैं, और जैसे ही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा जाता हूँ तो वहाँ पर चीज़ें एकदम से सॉफ्टली ब्लेंड होती चली जाएंगी। देखिए, जब कोई भी चीज़ इस तरीके से राउंडली बेंड हो रही है और फिर वो दूसरी तरफ शेडो में जा रही है तो वहाँ पर हमें अंधेरे में कभी भी लाइनें नज़र नहीं आती हैं। तो ये हमारा रीज़न है यहाँ पर जब हम लोग सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस को यूज़ करते हैं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब आप हार्ड एज क्रिएट करते हो तो वहाँ पर एक क्लैरिटी नज़र आती है, वहाँ पर एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। अगर मैं यही हार्ड एज अब यहाँ पर भी क्रिएट कर दूंगा तो ये फोम ही नहीं बचेगी। और इसके साथ साथ हम लोग इस पर भी बात करते हैं कि आप यहाँ पर देख पाएंगे कि जो ये एरिया है यहाँ पर मैंने सिर्फ अपना पूरा फोकस रखा है और पोर्ट्रेट में कहीं पर भी मैंने ऐसी चीज़ें नहीं की हैं जहाँ पर आपका ध्यान जाए। आप देखेंगे कि बालों में भी कोई डिटेल नहीं है, अदरवाइज़ और भी कहीं पर डिटेल नहीं है। और एक और चीज़, यहाँ पर मैंने बिल्कुल लिमिटेड वैल्यूज़ यूज़ की हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी। लिमिटेड वैल्यूज़ से क्या मतलब है कि मैंने यहाँ पर सिर्फ तो वाइट हो गया हमारा, और एक मिडल वैल्यू हो गई ये, और एक फिर हमारी सबसे डार्क वैल्यू हो गई। ये तीन ही वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने सिर्फ इस पोर्ट्रेट के अंदर यूज़ की हैं और इन तीन वैल्यूज़ में मेरा काम हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर मान लीजिए ये वैल्यू और इसके साथ साथ मैं दो तीन वैल्यू और इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दूँ और मैं यहाँ पर भी इसको थोड़ा शेड कर देता, फिर यहाँ पर थोड़ा शेड कर देता, यहाँ पर थोड़ा शेड कर देता, तो वहाँ पर क्लैरिटी इसके अंदर कम होती चली जाती। लेकिन हमें क्लैरिटी चाहिए अगर हम अपने पोर्ट्रेट को अपीलिंग बनाना चाहते हैं, एक चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि हेयर किस तरीके से ड्रॉ करें या फिर और कोई चीज़ किस तरीके से ड्रॉ करें। देखिए, आपको बेसिक कंसेप्ट समझना होता है, बाकी आप कोई भी चीज़ ड्रॉ करना चाहते हो आप इजीली कर लोगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हेयर्स हैं यहाँ पर कहीं पर भी आपको लाइन तो कोई नज़र नहीं आएगी कि एक एक लाइन डाल के कोई बाल बनाए गए हों, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर महसूस होगा कि यहाँ पर हेयर्स हैं। और एक चीज़ यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जितना ज़्यादा आप अपनी ड्राइंग के अंदर जो शेप्स हैं उनको सिंप्लीफाई कर दोगे उतना ज़्यादा आपकी ड्राइंग इम्पैक्टफुल लगेगी। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, ये जितना एरिया शेडो में है, इसको मैंने पूरी एक कम्प्लीट शेप में ट्रांजिट कर दिया है, और ये जो एरिया है इसको मैंने पूरा एक कम्प्लीट शेप में बना दिया है। तो हमारे पास दो कंप्लीट शेप हो गई। जैसे ही मैं यहाँ पर हाथ रखता हूँ आपको ये नज़र आता है, और जैसे ही मैं यहाँ पर आपको हाथ रखता हूँ तो आपको ये नज़र आता है। तो यहाँ पर ये मैंने बिल्कुल सेपरेट कर दिया है उस चीज़ को कि ये लाइट एंड शेडो बिल्कुल सेपरेट हो गई है, और उसी से हमारा कंट्रास्ट जो है वो बन के आ रहा है, क्योंकि हमने लिमिटेड वैल्यू यूज़ की थी। तो इसके अंदर विजुअल क्लैरिटी भी एकदम आप देख सकते हैं कि जब आप पोर्ट्रेट को देखते हैं तो आपको मालूम है कि कहाँ पर आपको देखना है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको बिल्कुल हार्ड लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर भी आपको बिल्कुल क्रिस्प लाइन नज़र आ रही है, यहाँ पर भी क्रिस्प लाइन है, लेकिन जो ये एरिया है, ये वाली जो लाइन्स हैं, ये इतनी ज़्यादा क्रिस्प नहीं है, ये काफ़ी सॉफ्ट हैं। काफ़ी सॉफ्ट से मतलब है कि ये कुछ इस तरीके की लाइन है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, और ये कुछ इस तरीके की लाइन है। तो इन दो लाइंस में काफ़ी डिफरेंस है। और ऐसा क्यों है,
क्योंकि ये वाली लाइन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इस एरिया में आपका फोकस हो। अगर मैं यहाँ पर भी ये क्रिस्प लाइन डाल देता तो फिर वो फोकस यहाँ से हट जाता और आपका जो मेन फोकल पॉइंट है उससे फिर ध्यान बट जाता इंसान का, और फिर ये यहाँ पर वो ऐसा लगता कि जैसे कि वो कटआउट है, वो ऐसा नहीं लगता कि ये पोर्शन शेडो में जा रहा है, वो राउंडनेस नहीं फील होती उसके अंदर। दूसरी चीज़, जो एरिया शेडो में है वहाँ पर आपको डिटेल करने की ज़रूरत नहीं होती है। भले आप जो पोर्ट्रेट बना रहे हो उसके अंदर डिटेल है, मतलब जो आपकी रेफरेंस पिक्चर है उसके अंदर भले डिटेल हो एकदम, मान लीजिए मैं अब जो पोर्ट्रेट आप बना रहे हो उसमें मान लीजिए जो आई है वो शेडो में है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपको नज़र ना आ रहा हो। आप जूम कर करके देख लोगे सारी डिटेल, एक पलक भी देख लोगे आपके जो आई लैशेज हैं वो भी कैसे हैं, तो आप उनको भी बनाने की कोशिश करोगे जबकि वो नेसेसरी है ही नहीं। जो चीज़ आपकी शेडो में है वहाँ पर आप डिटेल दिखा के करोगे क्या? वहाँ पर आपको डिटेल दिखाने की ज़रूरत है ही नहीं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोर्ट्रेट बनाना स्टार्ट करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। और एक चीज़, जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप लोग इस तरीके की, मैंने पहले भी आपको कहा था कि आप ये सर्कल्स और ये लाइन्स की आप प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये लाइन और सर्कल की प्रैक्टिस है तो आप बहुत इजीली कोई भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर पाओगे। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।